नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं अगर 2022 के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या आपको अभी रेडी कर लेना चाहिए एडमिशन के लिए, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके दोनों काम आएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी और आपको एडमिशन के समय भी। तो शुरुआत अगर किया जाए तो इनको हमने सुविधा के लिए तीन भागों में बांट रखा है। पहला है एकेडमिक डॉक्यूमेंट, दूसरा है एडिशनल डॉक्यूमेंट और तीसरा है जीकप रिसीविंग। तो एक एक करके हम इनको डिटेल्स में देखते हैं और समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में अगर बात की जाए तो आपके ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान आपको मिले हुए हैं स्कूल कॉलेज से, वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी आपको जो बाहर से आपने बनवाया हो, जैसे आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका कैटेगरी EWS और भी इसी तरीके से आपका मेडिकल फिटनेस, तो ये सारे आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। और जीकप रिसीविंग्स यानी आपको परीक्षा के दौरान जो कुछ भी रिसीविंग्स मिल रहे हैं, आपने फॉर्म भरा तो उसका प्रिंट ले लिया, आपने काउंसलिंग कराया उसका प्रिंट ले लिया, फीस रसीद ले ली, तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने जीकप रिसीविंग का नाम दिया है। तो इस तरीके से ये एक ब्रीफ डिटेल था। अब आइए डिटेल्स में इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, इसमें है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसा मैंने पहले बता दिया कि आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वही आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हुए। इसमें चाहिए क्या कि देखिए, हाई स्कूल का मार्कशीट आपको चाहिए और आपके लिए जो डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी है, जैसे आप जिस ग्रुप से कर रहे हैं तो आप अपनी योग्यता को जानते होंगे। ग्रुप ए के लिए हाई स्कूल है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है, ग्रुप के लिए इंटरमीडिएट है, ग्रुप जी के लिए स्नातक है। तो हाई स्कूल का मार्कशीट कहने का मतलब ये है कि आपको ये मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, ये तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है या फिर BA BSc कर रखा है आगे भी, तो इसमें आप इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट लगाइए साथ में, और BA BSc या अन्य आपने जो कुछ भी लिया है वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें हाई स्कूल का मार्कशीट होगा, यानी जिस ग्रुप से आप एडमिशन ले रहे हैं उस ग्रुप का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मार्कशीट तो आपके पास होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके पास हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, BA BSc या अन्य मार्कशीट, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप उसको ले लेंगे, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको कॉलेज से मिलेगा उसको भी ले लेंगे। काउंटर साइन जो TC पे होता है जब आप ज़िला बदलते हैं, तो ये आपके TC पे होना अनिवार्य है जब आप अपने ज़िला को छोड़ के दूसरे ज़िले में एडमिशन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमूमन ऐसा ही होता है कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में जाते हैं, तो आप उस पर काउंटर साइन भी करवा लीजिएगा। स्कूल से होगा काउंटर साइन, वहाँ आप जाएंगे अपने इंटरमीडिएट वाले स्कूल में, तो आगे आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे होगा काउंटर साइन। बेसिकली काउंटर साइन के समय होता है क्या है कि आप स्कूल में अपना TC दे देते हैं, तो वहाँ से एक रजिस्टर के साथ DIOS ऑफिस जाता है और वहाँ से फिर काउंटर साइन होकर के वापस आ जाता है। इसमें एक हफ्ते से कम समय लगता है या एक हफ्ते तक समय लग जाता है, ये 2 दिन का भी काम है, 1 दिन का भी काम है, और लगभग 1 हफ्ते भी लग जाता है। तो इस तरीके से आपका ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट था। अब आगे हम बढ़ते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट की ओर। तो हम देखते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको बाहर से जो इकट्ठी करनी होती हैं, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, फ़ोटो आप रंगीन फ़ोटो रखिए पासपोर्ट साइज, और 6-8 जितना 8 कम से कम रख लीजिए, क्योंकि देखिए आपको अभी एडमिशन के समय लगेगा, फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा उसमें लगेगा, और फिर आगे आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, तो तमाम जगह फ़ोटो की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप फ़ोटो रखिए, कम से कम 8 फ़ोटो रख लीजिए, और आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट, इसके आधार पर आपने आरक्षण लिया है तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो देखिए इसमें यह है कि आपको इसका वेरिफिकेशन स्लिप भी साथ में रखना चाहिए,
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का तो आप ऑनलाइन हो जाता है वेरिफिकेशन। अगर EWS का नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका हो जा रहा है उसको एक वेरिफिकेशन स्लिप रखिए साथ में। और गैप शपथ पत्र देखिए, अगर आप गैप ईयर हो गया है, आपने 1-2 साल तक पढ़ाई नहीं की, उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट देना होता है, उसको आप रेडी करवा लेंगे। और कई कॉलेज में तो देखिए बिना शपथ पत्र के भी एडमिशन ले लेते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में एक शपथ पत्र मांगते हैं, तो आप उसको अपना अरेंज कर लेंगे। गैप सर्टिफिकेट आप जब गैप करते हैं उसके लिए। और अंतिम है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाना होगा। कैसे बनेगा इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप पीछे से जाकर वीडियो देख लीजिएगा, संभव होगा तो मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एडिशनल डॉक्यूमेंट का डिटेल देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जीकप रिसीविंग्स की ओर। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब आखिरी है जीकप रिसीविंग्स। तो आपको अपना एडमिट कार्ड, परीक्षा का एडमिट कार्ड, और उसके बाद स्कोर कार्ड यानी आपने जो रिजल्ट देखा अपना उसको, अलॉटमेंट लेटर, आप सीट लॉक करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसका एक फोटोकॉपी यानी प्रिंट आउट, ये सारे होने चाहिए। वेरिफिकेशन स्लिप, मतलब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ से आपको एक मिलेगा वेरिफिकेशन स्लिप, तो आप उसको रखिए। एडमिशन लेटर यानी प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी दिया जाता है, अगर वो मिलता है तो आप उसको भी रखिए। ये अलग अलग स्कीम में अलग अलग सिस्टम चलता है, तो आप उसको साथ में रखिए, वेरिफिकेशन स्लिप या एडमिशन लेटर। और सभी फ़ीस रसीद, आपने जितना पेमेंट करवाया वो सारे फ़ीस आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, और लगभग इतनी चीज़ें आपको रेडी रखनी ही है। और आप ऐसा करेंगे कि आप जितना भी फॉर्म भरते समय या फिर जो भी प्रिंट आउट वगैरह मिल रहे हैं वो सब को साथ में रखेंगे, और एक फ़ाइल बना के रखिए जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और धीरे धीरे आप इनका जुगाड़ कर लीजिए, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, ताकि ये आपको आगे दिक्कत न करें। अगर आप इनमें से कुछ भी छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत होती है, फ़िलहाल वो दिक्कत कैसे दूर की जा सकती है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई और भी प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। दोस्ती बनी रहे, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निक वाला।